हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो टिकटॉक की तरह है। जी हाँ, तो आज हम चेक करेंगे इन्हीं एप्लीकेशन को कि क्या सच में ये टिकटॉक को टक्कर दे सकती है या फिर सिर्फ वैसे ही बना दिया गया है सिर्फ कहने के लिए। ये टिकटॉक एप्लीकेशन इंडियन एप्लीकेशन है लेकिन ये काम किसी प्रकार का नहीं करता। तो आज इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है और क्या सच में ये टिकटॉक की तरह काम करता है या फिर सिर्फ नाम के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और किसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडीटॉक एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस निकल के आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको पर्सनली, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसके बाद हम इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ पे देख लीजिए, हम इस एप्लीकेशन में आ गए हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा टिकटॉक की वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इसमें अभी उतने क्रिएटर नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि एक दुक्का इसमें क्रिएटर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटर नहीं है। और इसमें आपको जो भी वीडियो देखने के लिए मिलेगा ज़्यादातर यूट्यूब के या फिर टिकटॉक की वीडियो होंगी। जी हाँ, क्रिएट नहीं किया गया है। और हम इसके प्रॉब्लम की बात करें तो अगर हम वीडियो इसमें अपलोड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कैमरे वाले ऑप्शन पे जाएं और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें तो वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, इसमें आपको वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उतने ज़्यादा गाने नहीं है, गाने हैं लेकिन कुछ गाने अगर आप मान लीजिए ट्रेंड में है, सर्च कर रहा है, तो उसको आप नहीं ढूंढ सकते। इसमें बहुत कम गाने हैं जबकि टिकटॉक में ऐसा नहीं है, आप कोई भी सॉन्ग टिकटॉक में सर्च कर सकते हैं और बना सकते हैं। और इसमें अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये अपलोड नहीं होता है। जी हाँ, मेरे फ़ोन में तो नहीं हो रहा है, रियलमी है, इसमें तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप गैलरी से वीडियो अपलोड करते हैं तो गैलरी से हो जा रहा है वीडियो अपलोड, लेकिन कैमरे से नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम बात करें टिकटॉक के बारे में तो टिकटॉक के टक्कर का ये एप्लीकेशन नहीं है, टिकटॉक इससे बहुत बेहतर है। जी हाँ, तो अभी इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, तब जाकर शायद ये टिकटॉक के टक्कर का आ पाए, लेकिन अभी तो ये टिकटॉक के टक्कर का नहीं है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे पॉपुलर अपलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे देख लीजिए, तो पॉपुलर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक का ही वीडियो है, 3 लाइक है, उसके बाद से दूसरे नंबर पे 8 लाइक है। और सारे वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक के हैं या फिर यूट्यूब की या फिर वीगो की, कहीं और की वीडियो इसमें उठा के डाल दिया गया है। इसमें आपको ज़्यादातर वीडियो दूसरों को कॉपी किया गया मिलेगा, इसमें क्रिएटर बहुत कम है और प्रॉब्लम भी बहुत है। अगर हम इसमें बात करें अकाउंट बनाने की, तो हम आपको बता दें कि इसमें आप फ़ोन नंबर से या फिर जीमेल आईडी से अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें अपने जीमेल अकाउंट से अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन अभी उतना बेहतर नहीं है वीडियो अपलोड करने के मामले में, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। तो जो मैंने नंबर दिखाया व्हाट्सअप, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस एप्लीकेशन के ऑनर को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या आप इसको अभी ठीक करिए। अब चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर एप्लीकेशन के बारे में। दूसरे नंबर का एप्लीकेशन है बोलो इंडिया। जी हाँ, तो हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको क्रिएटर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन में जिस क्वालिटी का वीडियो अपलोड किया गया है उसी क्वालिटी का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, अगर HD क्वालिटी का वीडियो अपलोड किया है तो इस एप्लीकेशन में आपको HD क्वालिटी का ही वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है क्योंकि इसमें किसी भी वीडियो को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है MP4 में, 3GP में। जैसे मान लीजिए टिकटॉक में किसी भी वीडियो को किसी भी क्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसमें जिस क्वालिटी में वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसी में इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका नेट स्लो है तो ये बफरिंग करता रहेगा। जी हाँ, इसी तरह से ये बफरिंग करके चलेगा, कोई भी वीडियो आप यहाँ पे उठा लीजिए इसमें बफरिंग करके ही चलेगा, क्योंकि उसी क्वालिटी का इसमें वीडियो देखने के लिए मिलता है जिस क्वालिटी का वीडियो इसमें अपलोड किया गया है। और वीडियो अपलोडिंग की बात करें तो इसमें आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर नाम का कोई चीज़ इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, और इसमें आप कितना भी मिनट का वीडियो बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4 मिनट तक का।
और साथ ही इसमें आपको कोई भी फिल्टर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ना इमोजी है ना आप फिल्टर लगा सकते हैं, सिंपल सा वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। अभी ये एप्लीकेशन भी टिकटॉक को उतना अच्छे से टक्कर नहीं दे सकता। जितना हमें टिकटॉक में जितना हमें वैरायटी मिलता है, उतना वैरायटी इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये एप्लीकेशन एक तरह से देखा जाए तो ठीक ठाक है। जी हाँ, इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट ठीक ठाक चलता है तो, अन्यथा अब चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है रोपसो। जी हाँ, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस देखने के लिए मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अकाउंट बनाना, सब कुछ इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है टिकटॉक को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, ये एप्लीकेशन टिकटॉक को टक्कर दे सकता है क्योंकि इसमें आपको क्रिएटर भी देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी वीडियो भी मिलेगा। जी हाँ, इसमें भी आपको टिकटॉक के वीगो के काफ़ी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन क्रिएटर भी हैं इसमें, ये भी सच है। इसमें आपको हर तरह की वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, फनी, म्यूजिक, मस्ती और हर क्वालिटी का इसमें वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप इस एप्लीकेशन के जरिए पैसे भी जीत सकते हैं। जी हाँ, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप इस एप्लीकेशन के जरिए पैसे भी जीत सकते हैं और इसमें आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जी हाँ, इस एप्लीकेशन में आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इसमें आपको फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रोपसो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है रोपसो। तो ये पूरी तरह से टिकटॉक को टक्कर दे सकता है। अगर इसमें ज़्यादा क्रिएटर आ जाते हैं तो शायद भविष्य में ये बहुत अच्छे से टिकटॉक को टक्कर दे दे। और गाने की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको गाने मिल जाएंगे। जी हाँ, सर्च कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से भी इसमें गाने लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।